आयरन फॉलिक एसिड की जो सिरप थी आपके ऑफिस में एक्सपायर डेट की रखी थी सर, ये सप्लाई नहीं की गई थी क्या? सप्लाई के साथ होता क्या है कि जैसे यहाँ काफ़ी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, कुछ सिरप तो यहाँ ऑफिस में ऑफिस की भूल से रह जाती है कई बार, तो उस वजह से वो भूलवश यहाँ आंगनवाड़ी पे जाने से रह गई थी। तो एक्सपायर डेट की या वहाँ से ज्यादा दवाई भिजवाई थी या आपके पास कुछ ज्यादा आ गई? नहीं, जैसे आंगनवाड़ी पे जाने से वो कई बार एक्सेस रह जाती है, एक्सपायरी डेट की आंगनवाड़ी पे नहीं भिजवाई जाती है, वो आंगनवाड़ी पे जाने से रह गई है। तो किस कारण से नहीं पहुंच पाई सर? यहाँ पर कई बार जैसे मान लो यहाँ स्टाफ की काफी शॉर्टेज है, मेरे पास में एडिशनल चार्ज है, मेरे पास पेशेंट का मेन चार्ज है, तो यहाँ पर डायरेक्शन और थोड़ा सा मोबिलाइजिंग और हैंडल की यहाँ पर थोड़ी सी कमी है। शाहबाद में यहाँ पर LS के भी जैसे 6 पद हैं, उनमें से केवल 2 LS हैं 217 आंगनवाड़ी सेंटरों पे, तो उस वजह से यहाँ पर थोड़ा स्टाफ की समस्या के कारण कई बार कमियाँ रह जाती हैं ऑफिस में। सर जो क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनके जो कुपोषित बच्चे या जो बच्चे आते हैं उनके लिए सप्लाई दी जाती है, तो क्या ये बच्चों तक दवा पहुंच नहीं पा रही है? नहीं, बच्चों नहीं, को कोई इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है सर? ऐसा नहीं है, ये जैसे एक तो विटामिन ए प्रोग्राम चलता है, एल्बेंडाजोल प्रोग्राम चलता है, इनमें जो सप्लाई पूरी आती है, पूरी सप्लाई आंगनवाड़ी की में आजकल BCMO के थ्रू जाती है, PSC पे जाती है, तो वर्तमान में यहाँ पर जैसे BCMO के थ्रू सप्लाई जा रही है, तो अभी फिलहाल ऑफिस में दवाई नहीं आती है, वो BCMO के थ्रू PSC जाती है, वहां से राशन सेवनी के माध्यम से आंगनवाड़ी पे जाती है। सर आपके चैम्बर में एक्सपायर डेट का एक किट रखा हुआ था, इसकी जानकारी आपको थी कि ये एक्सपायर डेट का है? उसमें कुछ बोतलें थी तो वो निस्तारित करवा दी गई है।